सो क्लास सिक्स आज हम लोग सोलर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे सोलर इक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में मून चला आता है वैसे इक्लिप्स को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं तो इस मून के आने के वजह से अर्थ का जो भी पोर्शन इस मून के सामने होगा वहाँ पर हमें सन नहीं दिखता है सन विजिबल नहीं होता है सोलर इक्लिप्स किस दिन होता है न्यू मून डे के दिन होता है यहाँ पर मैंने कुछ और भी लिखा है पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज विद इन द अम्बरा ऑफ द मून शेडो वहाँ पर पूरी तरह से सोलर इक्लिप्स नहीं दिखता है मोनापियर्स एज ए डार्क डिस्क सपोज ये मून है सन का साइज तो बड़ा है मून से तो इसके चारों तरफ जो है एक लाइट की तरफ ये दिखता है उसे कहते हैं ग्लो ऑफ कोरोना आउटर एटमोसफेयर ऑफ द सन तो ये मून है एक डार्क डिस्क की तरह दिखने लगता है क्योंकि यह कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है ठीक है टोटल सोलर इक्लिप्स इसे कहते हैं दिस लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स एज द अर्थ रोटेट्स ये सोलर इक्लिप्स कुछ मिनट तक ही रहता है क्योंकि अर्थ हमेशा मोशन में है एंड आर क्वाइट रेयर और ये बहुत कम दिखता है ऐसा आफ्टर दैट द पार्ट ऑफ द अर्थ इन द दिनम्बरा ऑफ द मून शैडो अ पार्ट ऑफ फैडो पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन अब जब शेडो का फॉर्मेशन होता है तो एक अम्बरा पार्ट होता है और एक पेनम्बरा पार्ट होता है है ना तो एक अम्बरा पार्ट और एक पेनम्बरा पार्ट जैसा कि आप लोग जानते हो तो ये जो पार्ट है ये कम्प्लीटली डार्क होगा तो इस एरिया में जो भी अर्थ सरफेस का प्लेसेस पड़ेगा वहाँ पे सन जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा वो अम्बरा पार्ट में आ गया वहाँ टोटल सोलर एक्लिप्स होगा और ये जो थोड़ा कम डार्क है यहाँ पर वो पेनेम्बरा पार्ट में आएगा और वहाँ पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा वहाँ पे सन का कुछ पार्ट हमें दिखाई देगा अब उसके बाद है एनुअल सोलर इक्लिप्स वेन द मून इज एट द फारदेस्ट मून क्या होता है अर्थ के चारों तरफ वो भी घूमता रहता है रिवॉल्व करते रहता है और वो जो रास्ता है वो इलिप्टिकल है है ना तो मून और सपोज अर्थ यहाँ पर है और मून अर्थ से काफ़ी दूर पे आ गया घूमते घूमते तो व्हेन द मून इज एट द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ जब मून अर्थ से बहुत दूर होता है जितना दूरी वो जा सकता है मोस्ट ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड तो सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है ऐसे सोलर इक्लिप्स को हम लोग एनुअल सोलर इक्लिप्स कहते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों का कम्प्लीट हो गया आज इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को करना है और फिज़िक्स कॉपी में कंप्लीट करके सबमिट करना है थैंक यू